दोस्तों सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों ये कथा एक बेईमान दुकानदार की है। आइए कथा श्रवण करें। आज की कथा है एक पंडित और एक बेईमान दुकानदार। आइए कथा श्रवण करें। एक बार एक पंडित जी ने एक दुकानदार के पास 5,000 रुपए रख दिए। उन्होंने सोचा कि जब मेरी बेटी की शादी होगी तो मैं ये पैसे ले लूंगा। कुछ सालों के बाद जब बेटी सयानी हो गई तो पंडित जी उस दुकानदार के पास गए, लेकिन दुकानदार ने नकार दिया और बोला, आपने कब मुझे पैसा दिया था? बताइए, क्या मैंने कुछ लिख कर दिया है? पंडित जी उस दुकानदार की इस हरकत से बहुत परेशान हो गए और बड़ी चिंता में डूब गए। उन्होंने सोचा, अब क्या होगा? मेरी बिटिया की शादी कैसे होगी? फिर कुछ दिनों के बाद पंडित जी को याद आया कि क्यों ना राजा से इस बारे में शिकायत कर दूं, ताकि वे कुछ फैसला कर देंगे और मेरा पैसा मेरी बेटी के विवाह के लिए मिल जाएगा। फिर पंडित जी राजा के पास पहुंचे और अपना दुखड़ा सुनाया। राजा ने कहा, कल हमारी सवारी निकलेगी और तुम उस दुकानदार की दुकान के पास में ही खड़े रहना। दूसरे दिन राजा की सवारी निकली, सभी लोगों ने फूल मालाएं पहनाई और किसी ने आरती उतारी। पंडित जी उसी दुकान के पास खड़े थे। जैसे ही राजा ने पंडित जी को देखा तो उसने उन्हें प्रणाम किया और कहा, गुरुजी, आप यहाँ कैसे? आप तो हमारे गुरु हैं, आइए इस बग्घी में बैठ जाइए। वो दुकानदार यह सब देख रहा था। उसने भी आरती उतारी और राजा की सवारी आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर चलने के बाद राजा ने पंडित जी को बग्घी से नीचे उतार दिया और कहा, पंडित जी, हमने आपका काम कर दिया है, अब आगे आपका भाग्य। उधर वह दुकानदार यह सब देखकर हैरान था कि पंडित जी की तो राजा से बहुत अच्छी सांठ गांठ है, कहीं वे मेरा कबाड़ा ही ना कर दे। दुकानदार ने तत्काल अपने मुनीम को पंडित जी को ढूंढकर लाने को कहा। पंडित जी एक पेड़ के नीचे बैठकर कुछ विचार विमर्श कर रहे थे। मुनीम जी बड़े ही आदर के साथ उन्हें अपने साथ ले गए। दुकानदार ने आते ही पंडित जी को प्रणाम किया और बोला, पंडित जी, मैंने काफी मेहनत की और पुराने खातों को देखा तो पाया कि खाते में आपका 5,000 रुपये जमा है और पिछले 10 सालों में ब्याज के 50,000 रुपये भी और हो गए हैं। पंडित जी, आपकी बेटी भी तो मेरी बेटी जैसी ही है, अतः ये लीजिए 5,000 रुपये, आप मेरी तरफ से ले जाइए और उसे बेटी की शादी में लगा दीजिए। इस प्रकार उस दुकानदार ने पंडित जी को कुल 60,000 रुपये देकर बड़े ही प्रेम के साथ विदा किया। दोस्तों ये कथा कहने का तात्पर्य यह है कि जब मात्र एक राजा के साथ संबंध होने भर से हमारी विपता दूर हो जाती है तो हम अगर इस दुनिया के राजा यानी कि परमात्मा से अपना संबंध जोड़ लें तो हमें कोई भी समस्या, कठिनाई या फिर हमारे साथ किसी भी तरह के अन्याय का कोई प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होगा। दोस्तों आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को उत्तम से उत्तम ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।